हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 वी डिस्कस दैट अ डायरेक्ट वेरिएशन. व्हाट इज द डायरेक्ट वेरिएशन? अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. उस डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन को हम प्रोपोर्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं. उसी टाइप का क्वेश्चन एक और है, वो डिस्कस करते हैं. इफ 25 एप्पल कॉस्ट रुपीज 65, 25 एप्पल. अभी यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो दे रखा है एप्पल, फिर उसके बाद दे रखी है उसकी कॉस्ट. तो प्रपोर्शन में अगर हमें करना है डायरेक्ट के लिए एप्पल फिर कॉस्ट, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एप्पल एंड अगेन कॉस्ट. सेम पैटर्न चलना चाहिए, एप्पल कॉस्ट है तो प्रपोर्शनल एप्पल कॉस्ट. ये किस में कर रहे हैं हम, डायरेक्ट प्रपोर्शनल. अब आप कैसे पता लगेगा कि डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है? एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी भी बढ़े, एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, या एक क्वांटिटी को कम करने पर दूसरी क्वांटिटी भी कम हो, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. अब आप देखिए 25 एप्पल की कॉस्ट 65 है और आपको 45 एप्पल की कॉस्ट निकालनी है. आपको पता है 25 एप्पल, जैसे नंबर ऑफ एप्पल बढ़ाएंगे, जैसे नंबर ऑफ एप्पल बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी. मींस अगर एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ एप्पल बढ़ा रहे हो, तो कॉस्ट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है. जितने ज़्यादा एप्पल खरीद के लाओगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी. मतलब किसका क्वेश्चन है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है. जब डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन को अपन प्रपोर्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं. क्या लिखना है यहाँ, एप्पल रेशियो कॉस्ट प्रोपोर्शनल फिर एप्पल रेशियो कॉस्ट. पहले सेंटेंस में देखते हैं 25 एप्पल हैं, 25 एप्पल की कॉस्ट कितनी है. कॉस्ट देखिए आपको रुपीज 65 एंड आपको फाइंड करना है 45 एप्पल की कॉस्ट कितनी है. तो 45 एप्पल की कॉस्ट क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स. नाउ प्रपोर्शन में है तो 25 अपॉन 65 रेशियो इक्वल होगा 45 अपॉन x रेशियो के इक्वल. ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई होगा 25 से एंड 65 मल्टीप्लाई होगा 45 से. तो 25 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाय 45. x की वैल्यू निकालनी है, x 25 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 25 उधर जाके क्या हो गया, इक्वेशन के सेकंड तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 25 इक्वेशन के सेकंड तरफ डिवाइड हो जाएगा. तो x इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाय 45 अपॉन 25. अब आप देखिए 25 एंड 65 दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों 5 की टेबल में आते हैं. तो 5 की टेबल में आप 45 को भी काट सकते हो और 65 को भी काट सकते हो 25 से. 5 की टेबल में 9 टाइम, तो 5 की टेबल में 5 टाइम 25 और 5 की टेबल में 9 टाइम 45. आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 5. 5 की टेबल में 65 भी कैंसिल आउट हो रहा है, दैट इज 13 टाइम. नाउ x इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 9, 13 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 117. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 117. मीन्स 45 एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी, 117 रुपीज. सो द कॉस्ट ऑफ 45 एप्पल, कॉस्ट ऑफ 45 एप्पल्स इज इक्वल टू रुपीज 117. तो आपने क्या निकाल लिया, आपने प्रपोर्शनल की हेल्प से डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करके कॉस्ट ऑफ 45 एप्पल निकाल ली, दैट इज 117. होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.